के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन में इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब भी हमारे फोन पे इनकमिंग कॉल आता है तो रिंगटोन की साउंड की आवाज तो आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में ना फाइल का ऐप है, इस फाइल के आपको ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के समय डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का ऐप है ना, इस कॉलिंग के आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका छोटा सा पेज आता है, इसमें ऐप इन्फो पे टैप करना है। अब आपको ऐप इन्फो के इस पेज में स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है, नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज पे आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।